فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خداوند عالم کائنات کا خالق و مالک اپنی عظیم ترین کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، آپ سے ہر طرح کی برائیوں کو دور رکھے اور آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا، ہمارے اور آپ کے درمیان جو موضوع گفتگو ہے وہ اہل بیت ہیں، اور 1400 برس سے ہم اہل بیت کو مانتے چلے آ رہے ہیں۔ اہل بیت کو ماننے کے بعد ہم کو کوئی ندامت، کوئی شرمندگی، کوئی پریشانی کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا سر بلند تھا، بلند ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک بلند رہے گا، اس لیے کہ ہم نے جن ہستیوں کو مانا وہ ہستیاں پاک ہیں، ہم نے جن بزرگوں کو مانا وہ بزرگ طاہر ہیں، ہم نے جو اللہ کے منتخب کردہ بندوں پر اپنے دل میں ان کو لیے جگہ دی وہ ہیں کہ جو اللہ کی سرکار سے علم لے کے آئے ہیں۔ اس سلسلے میں میں روزانہ آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور بات بہت تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی اپنے اختتام کی منزل تک پہنچ گئی۔ بس آج کی اور کل کی دو مجلسیں ہیں جس میں مجھے جلدی جلدی اپنے اس بہت بڑے مضمون کو سمپ کرنا ہے اور سمیٹنا ہے۔ مضمون جس کی وسعت بہت ہے، مگر میں ایک دن عرض کر چکا کہ چند گھنٹوں میں اس مضمون کو سمیٹنا ناممکن بات ہے، اس لیے کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے متعلق رسول نے ارشاد فرمایا، یا علی تمہیں کسی نے نہ پہچانا، یا میں نے پہچانا، یا خدا نے پہچانا۔ علی کو جب اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی دوسرا پہچان ہی نہیں سکتا تو کائنات اس علی کے بارے میں کیا بیان کر سکتی ہے، دنیا ان علی کے بارے میں کیا زبان کشائی کر سکتی ہے، کیا لب کشائی کرے، کیا زبان سے کوئی جملہ ادا کرے۔ لیکن عزیزوں، معاملہ یہ ہے کہ اہل بیت جن کے ماننے کے پیچھے، جن سے محبت و عقیدت رکھنے کے لیے اس بات کی شرط ہے
कि दिल में अहले बैत ही की मोहब्बत होना चाहिए है। ऐसा न हो कि दिल के किसी गोशे में अहले बैत भी हों और उसके अलावा गैरों की अकीदतें भी हों। अहले बैत वो हैं जो ताहिर हैं, अहले बैत वो हैं जो पाक हैं, तहारत के साथ, पाकिजगी के साथ। इनके साथ किसी दूसरी हस्तियों का मेल खाता नहीं है। अगर दिल में अहले बैत की मोहब्बत है तो सिर्फ अहले बैत ही की मोहब्बत होना चाहिए। ये बात गलत है कि हम तो सबको मानते हैं। सबको मानिए फिर आपको अहले बैत को छोड़ना पड़ेगा, अहले बैत को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि अंधेरा और रोशनी, हक और बातिल, सही और गलत, ये सब एक जगह नहीं जमा हो सकते। निजासतें और तहारत ये एक जगह नहीं आ सकते। अहले बैत पाक हैं, अहले बैत ताहिर हैं। हम नजिस हैं, हम नजिस हैं। हमारी जो असलियत है वो निजासत है। हम जब दुनिया में आए तो नजिस पैदा हुए, हम जब दुनिया से जाएंगे, रूह हमारे जिस्म से निकलेगी तो हम नजिस हो जाएंगे। हमारा आगाज भी निजासत है, हमारा अंजाम भी निजासत है। जब हम दुनिया में आए तो हमें नहला दिया गया, हम पाक हो गए। जब हम दुनिया से जाने लगे, रूह ने हमारा साथ छोड़ दिया, हम नजिस हो गए। हमें पाक कर दिया गया, गुस्ल दे दिया गया, हम पाक हो गए। लेकिन अहले बैत वो से पाक हैं कि जिनकी विलादत काबे में हुई और जिनका खून जिस ज़मीन पर टपक गया वो खाक खा के पाक बन गई। तो निजासतें और तहारत एक जगह जमा नहीं हो सकते। दिल सिर्फ और सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत से सरशार रहने चाहिए। मैंने कल आपकी खिदमत में इस सिलसिले में कुछ अर्ज़ करने की कोशिश की थी और कल की मजलिस में बात जल्दी जल्दी यहाँ पर आके ख़त्म हो गई और तमाम हो गई कि मुबाहले में हुजूर सरवर कायनात जिनको अपने साथ लेके गए वो कोई गैर नहीं थे, वो वही थे, वो वही करीबी थे जिनके लिए रसूल ने कभी ये इरशाद फरमाया कि अली मिन्नी व अना मिन्हु, फ़ातिमा तो बेज़त मिन्नी, हसन मिन्नी व अना मिन्हु, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वो हस्तियाँ हैं, वो पाक लोग हैं, वो अहले बैत हैं। अहले बैत ने दुनिया में आके दर्स दिया, अहले बैत ने दुनिया में आके पढ़ाया, अहले बैत ने दुनिया में आके तालीम दी। चुनांचे मौलाए कायनात ने एक मंजिल पर, मिंबर पर खुतबा दिया, कूफे का मिंबर था, खतीब मिंबर पर आया और मिंबर पर आके वो मजमे से कहता है कि सलूनी सलूनी, जो तुम्हारा दिल चाहे सवाल कर लो मुझसे, पूछ लो मुझसे, जो तुम्हारा दिल चाहे सवाल करो, जो तुम्हारा दिल चाहे पूछो। और उसके बाद उस खतीब ने एक मरतबा आसमान की जानिब देखा और आसमान की जानिब देख के वो खतीब कहता है कि सलूनी व तुरक समा, मुझसे आसमानों के रास्ते पूछो, मैं तुम्हें आसमानों के रास्ते बताऊंगा। मगर नीचे जो मजमा बैठा हुआ था, उस मजमे ने यह सोचा कि यह बुज़ुर्ग, यह खतीब अपने इल्म में इजाफे के वास्ते, अपने इल्म की बरतरी के वास्ते, अपने इल्म के दबदबे को साबित करने के वास्ते इस तरह के जुमले बोल रहा है, ऐसी ऐसी बातें कह रहा है। लेकिन वो खतीब, वो आलिम
चंद बरस में ज़ाहरी तौर पर हमारे दरमियान से रुख्सत हो गया और वो मजमा भी थोड़े दिनों के बाद अपनी मौत आप मर गया। लेकिन खतीब के जुमले तो तारीख़ में रह गए, मुकर्रर के अल्फाज को तारीख़ ने महफूज कर लिया, उस आलिम और प्रोफेसर का लेक्चर तो तारीख़ के सीने में और किताबों में महफूज रह गया। लेकिन धीरे धीरे जब कारवाने इल्म आगे बढ़ा, इंसान का इल्म इस मंजिल पर पहुंचा कि उसने ज़मीन से आसमानों का रुख किया, इस ज़मीन से फ़ज़ा की तरफ गया, खला की तरफ गया, सैयारों की तरफ गया, सितारों की तरफ गया, चांद पर गया, तो कहने लगा कि आसमानों पर रास्ते हैं, जिन रास्तों की हमको तलाश है, जिन रास्तों पर हमको जाना है, उन रास्तों की हमको तलाश है और हमें उन रास्तों पर जाना है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब वो ख़तीब जो 1400 बरस पहले कह रहा था मुझसे आसमानों के रास्ते पूछो, तो जब आज के इंसान ने कहा कि फ़ज़ा में और खला में रास्ते हैं जिसकी हमें तलाश है, तो हमें उस ख़तीब, उस मुकर्रर, उस उस्ताद, उस प्रोफेसर, उस आलिम की बात कानों से टकराई और याद आई कि मुझसे आसमानों के रास्ते पूछो, मैं तुम्हें आसमानों के रास्ते बताऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये कोई गैर नहीं था, यह कोई बेगाना नहीं था, यह कोई अजनबी नहीं था, यह वही था जिसके लिए रसूल ने इरशाद फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अली उन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाज़ा है। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाज़ा है। ये अली थे जिनका इल्म, खुदा की कसम, उस मंजिल पर था कि जो अल्लाह की सरकार से इल्म लेके आए थे, अल्लाह की सरकार से पढ़ के आए थे, जिन्होंने इल्म की दौलत बहाई, जिन्होंने दुनिया वालों को बताया कि देखो किस तरीक़े से, किस तरीक़े से इंसान इल्म हासिल करता है, कैसे इल्म हासिल करो, कैसे इल्म के मैदान में आगे बढ़ो। उन्होंने ऐसे ऐसे जुमले, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे कौल, ऐसे ऐसे फरामीन अली ने इरशाद फरमाए कि इंसान महवे हैरत है। अगर किसी को यकीन ना हो तो नहजुल बलागा उठा के देखे और नहजुल बलागा उठा के पढ़े। नहजुल बलागा कोई अली की लिखी हुई किताब नहीं है। मैं अपने तमाम सुनने वालों की खिदमत में यह बात अर्ज करूं, आप जानते हैं, लेकिन वो गैर अगर किसी को ना मालूम हो तो उसके वास्ते कि नहजुल बलागा अली की लिखी हुई किताब नहीं है। अली नहजुल बलागा के आथर नहीं हैं, बल्कि इसको जमा किया गया है, कंपाइल की हुई किताब है, और इसको हमारे एक बहुत बड़े आलिम ने बड़ी मेहनत के साथ जमा किया, अल्लामा रज़ी, जो सैयद रज़ी के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने मौला अली के इरशादात को, मौला अली के अखबाल को, मौला अली के खतूत को, मौला अली के खुतबात को कलेक्ट किया, यकजा किया, जमा किया, कंपाइल किया, एक किताब की सूरत दी और उस किताब का नाम रखा नहजुल बलागा। नहजुल बलागा। लेकिन जब उस किताब को सैयद रज़ी ने कंपाइल किया और उन तमाम चीज़ों को जमा किया, तो जमा करते हुए उन्होंने मुकदमे में ये बात लिख दी कि ये वो तमाम सब का सब अली का कलाम नहीं है। कोई ये ना सोचे कि ये सब का सब कलाम अली है जिसको मैंने यकजा किया और जमा किया। उन्होंने ये कहा
कि भाई ये वो कलाम है कि जितना मुझे हासिल हुआ है, जो मुझको मिल सका ये वो है जिसको मैं जमा कर रहा हूं। लेकिन अजीजाने गिरामी, जितना कलाम, जितना मैटर, जितना भी खुतबात और खतूत और अखबाल और शॉर्ट सेंग्स सैयद रजी को मिली और उन्होंने नहजुल बलागा में जमा की, तो लगभग लगभग 1150 बरस से दुनिया महवे हैरत है, दुनिया परेशान है कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कोई इतना बड़ा आलिम भी था, कोई इतना बड़ा खतीब भी था, कोई इतना बड़ा मुकर्रर भी था, कोई इतना बड़ा जज भी था, कोई इतना बड़ा फैसला करने वाला भी था, कि जिसने 1400 बरस पहले वो इरशाद फरमा दिया जिसके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते हैं। यह है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इल्म, यह है मंजिले इल्म अली। हमने जहालत को नहीं माना, हमने अंधेरों को नहीं माना, हमने जुल्मतों को नहीं माना, हमने बेदीनियों को नहीं माना, हमने इल्म को माना, नूर को माना, रोशनी को माना, जन्नत को माना, हक को माना, दीन को माना। अली को मानना हक को मानना है, अली को मानना दीन को मानना है, अली को मानना इस्लाम को मानना है, अली को मानना इल्म को मानना है, अली को मानना शजात को मानना है, अली को मानना तकवे को मानना है, अली को मानना जोहद को मानना है, अली को मानना जन्नत को मानना है, अली को मानना रसूल को मानना है, अली को मानना खुदा को मानना है, खुदा को मानना है। इसलिए कि अल्लाह तक का जाने का और पहुंचने का रास्ता ही अली के जरिए से है। रसूल ने इसी वास्ते पहले इरशाद फरमा दिया कि अना मदीनतुल इल्म फाली वाली उन बाबोहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली इसका दरवाजा है। लेकिन इसके साथ साथ रसूल ने रास्ता भी बताया, मन अरादल इल्म फलियातिल बाब, जिसको इल्म की तलाश हो वो दरवाजे से आए। दरवाजा बता ही दिया कि देखो यूं ही ना जाना, दरवाजे के जरिए से आना। दरवाजे के जरिए से आओगे तो इल्म के शहर तक पहुंचोगे, यानी अली के जरिए से आओ तो मोहम्मद तक पहुंचोगे, मोहम्मद तक आओ तो आओगे तो खुदा तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। यानी अगर अली के वसीले से आओगे तो अल्लाह और रसूल मिलेगा, अली को छोड़ दिया ना खुदा मिलेगा ना रसूल मिलेगा, ना खुदा मिलेगा ना रसूल मिलेगा। तो अजीजाने गिरामी, यह इल्म है, हमने इल्म को, और किसी के जहन में यह बात ना आने पाए कि मैं रोजाना आपकी खिदमत में सिर्फ अली के मुताल्लिक कुछ अर्ज कर रहा हूं, और जो मेरे मजलिस का उनवान है और जो तकरीरें हैं और जो गुफ्तगू है वो अली ही के गिर्द घूम रही है। नहीं, बीच में अली हैं, इसलिए कि अली अबुल आइम्मा हैं, अली इमामों के बाप हैं। हसन हुसैन, इनके बाद नस्ल हुसैन में आने वाले इमाम मासूमीन, सबके पास वही इल्म है जो इल्म अली के पास था, सबके पास वही किरदार है जो किरदार अली वाला किरदार था, सबकी सीरत वही सीरत है कि जो अली वाली सीरत थी। अली ने मिंबरे कूफा पर इरशाद फरमाया कि सलूनी, मुझसे पूछो। अली के बेटे हैं इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, इनको बाकिरुल इल्म कहते हैं, इल्म को शिगाफ्ता करने वाले, इल्म को शिगाफ्ता करने वाले बाकिरुल इल्म, जिन्होंने इल्म के दरिया बहाए। और आज जो इस्लामी सिक्का था, उस इस्लामी सिक्के को जो सबसे पहले राइज किया है वो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने। सुनिएगा अजीजाने गिरामी, बात आ गई,
तो ये सुनाता चलूं कि अरब में ममलिकत इस्लामी में जो नामनिहाद इस्लामी हुकूमत थी उसमें जो सिक्का चल रहा था वो रोम का सिक्का था, लेकिन जब कैसर ने, बादशाह ने एक मौके के ऊपर खलीफा साहब से ये कहलवाया कि मेरी ये बात मानो वरना मैं सिक्के पर, वरना मैं कोआइन पर तुम्हारे रसूल को बुरा भला लिखूंगा, तुम्हारे रसूल को बुरा भला लिखूंगा। ये पैगाम बादशाह वक्त तक पहुंचा, खलीफा साहब तक पहुंचा, इनकी तो हालत ख़राब हो गई, इनके तो माथे पर पसीना, चेहरे पर एक रंग आ रहा है एक रंग जा रहा है, इसलिए कि तख्ते हुकूमत पर बैठ जाना और अपने को खलीफतुल मुस्लिमीन कहलवाना अलग बात है और किसी का आलिम होना अलग बात है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। खलीफतुल मुस्लिमीन होना अलग चीज़ है, आलिम होना अलग चीज़ है, लेकिन जिनको अल्लाह ने मुंतखब किया वो खलीफतुल्लाह भी हैं, आलिम भी हैं, इमाम भी हैं, मासूम भी हैं, मुंतखब करदा परवरदिगार भी हैं, जिनको अल्लाह ने मुंतखब करके भेजा। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जिनको दुनिया वालों ने बनाया। और इधर परेशानी शुरू हुई कि अब क्या किया जाए, कि बड़ी मुश्किल आ पड़ी है, कि तो किसी ने कहा कि जाओ जाके मुश्किल कुशा को लेके आओ, मुश्किल कुशा के बेटों को आवाज़ दो। चुनांचे इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उनके सामने मामले को रखा गया। तो इमाम ने जवाब दिया कि ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, तुम अपना सिक्का ढाल लो और इस ख़त के जवाब में तुम अपना सिक्का ढाल के भेज दो कैसर रोम को। तो खलीफा साहब ने कहा कि फर्जंद रसूल, हम अपना सिक्का कैसे ढालें, हम अपना सिक्का कैसे ढालें। तो इमाम ने सिक्का ढालने का तरीका बताया, सबसे पहले कैलकुलेशन बताया। देखिए ये बड़ा टेक्निकल मामला होता है, ये ऐसा नहीं है कि आपने कागज़ को छापना शुरू कर दिया प्रेस में और वो नोट की शक्ल में छप छप के निकल रहा है। जो अकाउंट्स के लोग हैं, जो इक्तसादियात के माहिर हैं, जो इनका ताल्लुक कॉमर्स से है, वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये जो कागज़ का नोट चल रहा है जिससे सुबह से शाम तक हम और आप ख़रीदारी करते हैं और डीलिंग करते हैं, इसके पीछे बैंक में सोना मौजूद है, रिजर्व बैंक में 1000 रुपए हमारे पास हैं, तो वो 1000 रुपए का सोना मौजूद है बैंक में, इसके बैंक में पीछे, तो 1000 रुपए हम खर्च कर रहे हैं, 1 लाख रुपए हमारे पास हैं तो 1 लाख रुपए का सोना मौजूद है, वरना बात ही क्या हुई कि कागज़ छापते चले जाइए, आप मैदान में ले आइए, बाजार में उतार दीजिए, तो फिर वो जाली नोट कहलाएगा, असली नोट नहीं कहलाएगा। असली नोट वही है कि जिसको हुकूमत जारी करती है, जिसके पीछे सोना मौजूद रहता है। तो ये पूरा 100% टेक्निकल मामला है। इस मामले को, इस कैलकुलेशन को इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने बताया और इमाम ने बताया कि कैसे सिक्के को ढाला जाए। सिक्के ढालने का कैलकुलेशन, सिक्के का कैलकुलेशन इमाम ने बताया, सिक्का ढाला कैसे जाए ये इमाम ने बताया, सिक्के पर लिखा क्या जाए ये इमाम ने बताया। क्या देखो, कॉइन के सिक्के के एक तरफ अपना कलेमा लिखो, एक तरफ रसूल अल्लाह का नाम नामी इसमें गिरामी लिखो, सिक्के के एक रुख पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह लिखा गया, दूसरे रुख पर रसूलुल्लाह का नाम गिरामी इसमें गिरामी लिखा गया। और इसके बाद जब सिक्का ढल गया
तो उस खत के जवाब में रोम में ये सिक्का भेज दिया गया। अब जैसे ही कैसर रोम के पास ये सिक्का पहुंचा तो वो सिक्का देखते ही उसकी वही हालत हो गई जैसा खत आने के बाद यहां बादशाह सलामत की हो गई थी। तो मजहब पर जब वक्त पड़ा, दीन पर जब बात आई, हक की हक्कानियत के लिए, मजहब की सदाकत के लिए, दीन को बचाने के वास्ते अहले मोहम्मद ही सामने आए, अहले बैत ही सामने आए, इसके अलावा कोई सामने ना आया। इसी तरीके से हमारे और आइम्मा के वाकयात हैं, आइम्मा की जिंदगियां हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर इस्लाम की नुसरत की है, इस्लाम की मदद की है, मज़हब को, दीन को सुरखरू किया है और दुश्मनों को जलील और रुसवा किया। दुश्मन जलील और रुसवा हुआ। तो अज़ीज़ाने गिरामी, ये हमारे इमाम हैं, ये रहबर हैं, ये पेशवा हैं, ये वो पाक हस्तियां हैं जिनके दर पर हम 1400 बरस से मौजूद हैं। ज़माना आज भी इमाम से खाली नहीं है। मोहम्मद का बेटा अली और फातिमा का फर्जंद आज भी हिजाब गैब में मौजूद है। जिसके पास वही अली वाला इल्म है, इल्म अली वाला, किरदार अली वाला, सीरत अली वाली, वही घराने का अंदाज, वही घराने की सीरत, वही घराने का इल्म, वही घराने की शजाअत, वही घराने की बहादुरी जो इनके घर की रही है, उसका वारिस आज भी हिजाब गैब में मौजूद है। तो हमने जिन अहले बैत को माना, उनको आंखें खोल के माना, आंखें बंद करके नहीं माना, अंधी अकीदतों में नहीं माना। अगर हमने उनका इल्म देखा तो इल्म के मैदान में उनसे बड़ा कोई नजर ना आया। अगर इनकी शजाअत को देखा तो इनसे बढ़ के कोई शजा और बहादुर नजर ना आया। अगर इनके जुहद को देखा तो इनसे बढ़ के कोई दूसरा जाहिद नजर ना आया। अगर इनकी इबादतों को देखा तो इनसे बढ़ के कोई आबिद नजर ना आया। अगर मिंबर पर देखा तो इनसे बढ़ के कोई खतीब ना आया, नजर ना आया। अगर मेहराब में देखा तो इनसे बढ़ के कोई इबादत करने वाला नजर ना आया। अगर खिदमत दीन में देखा तो इनसे बढ़ के अल्लाह की दीन की खिदमत करने वाला नजर ना आया। अगर गरीबों की मदद करते हुए देखा तो इनसे बढ़ के गरीबों का पुरसान हाल नजर ना आया। मुख्तसर यह है, इनको जिस अंदाज में देखा, जिस जगह देखा, कोई इनसे बड़ा नजर ना आया, कोई इनसे अफजल नजर ना आया। कायनात पीछे नजर आई, ये आगे नजर आए। यही तो वजह थी कि जब दीन मुकम्मल हुआ और गदीर के मैदान में ये आयत आई कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, अय हमारे रसूल आप पहुंचा दीजिए उस चीज को जो आप पर पहले नाजिल की जा चुकी। अगर आपने ये नहीं पहुंचाया तो कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा, लोगों के खतरे से बचाएगा। रसूलुल्लाह ने जाते हुए मजमे को रोका, मजमा ठहरा, मजमा रुका। देखिए मजमे का रुकना भी आसान बात नहीं है, मजमे का रुकना भी आसान बात नहीं है। यह आज का काफिला नहीं है 2021 का कि 150 गाड़ियों का कानवाय जा रहा है, काफिला जा रहा है, अचानक काफिले को रोक देना पड़ा, गाड़ी के ब्रेक लगा, लोग गाड़ी से दरवाजा खोल के उतर आए। 1400 बरस पहले, 1400 बरस पहले जब ऊंटों का सफर होता था, ऊंटों की पुष्प पर बैठ के लोग चलते थे, उनका रोकना, उनका बिठाना, उन लोगों का उतरना आसान नहीं होता था। काफिले को रोका गया, जानवरों को बैठाया गया,
उसके बाद जानवरों की पुश से और कजावों से और लोग निकल निकल करके उतर उतर करके आकर के जमा हुए, यज्जा हुए। हुजूर सरवर कायनात ने सहाबा किराम से अर्ज की, सहाबा किराम से कहा कि मिंबर बनाओ। तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, इस जंगल और बियाबान में हम मिंबर कैसे बनाएं, हमारे पास मिंबर बनाने का कोई सामान नहीं है, हमारे पास कोई सामान नहीं है कि हम मिंबर बनाएं। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, आप रसूल हैं, आप इल्म गैब रखते हैं, आपको मालूम है कि ये बेचारे हाजी हज करके वापस आ रहे हैं, ये सहाबी हैं, ये हाजी हैं, ये मक्के से आ रहे हैं, इनके पास तबर्रुक में आबे जमजम के अलावा कुछ है नहीं, ये जमजम का पानी लेके आ रहे हैं, इनके पास वो सामान नहीं है कि जिस सामान से मिंबर बनाएं। या रसूल अल्लाह, क्या आपको ये बात मालूम नहीं है, आप ये बात नहीं जानते? शायद जवाब मोहम्मद आए कि अल्लाह का रसूल ना जानेगा तो कौन जानेगा, मैं भी इस बात को जानता हूं, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि जब उस्ताद पढ़ाता है तो कभी कभी अपने शागिर्दों का इम्तिहान भी लेता है। रसूलुल्लाह ने 23 बरस पढ़ाया, 23 बरस तालीम दी, 23 बरस सिखाया, 23 बरस बताया, और जब चलने लगे तो आखिरी दौर में और आखिरी जमाने में एक मर्तबा उम्मत का इम्तिहान लिया, कहा भाई मिंबर बनाना जानते हो? तो उन्होंने कहा कि अरे हम मिंबर कैसे बनाएं, हमें मिंबर बनाना नहीं आता, इस वीराने में हम कैसे मिंबर बनाएं। शायद रसूल ने इसीलिए उम्मत का इम्तिहान लिया कि जो तुम 3 महीने पहले मिंबर बनाना नहीं जानते थे, तो 3 महीने बाद साहेब मिंबर कैसे बन गए। अगर रसूलुल्लाह मिंबर बनाना ना बताते, तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ाने गिरामी, अगर रसूलुल्लाह मिंबर बनाना ना बताते तब हम ये सोचते कि जो सहाबा ने फरमाया वो सही फरमाया था, जो बात सहाबा ने कही वो सही कही, कि अरे इस जंगल में बियाबान में वीराने में हम मिंबर कैसे बनाएं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। रसूल ने मिंबर बनवा करके बता दिया कि तुम्हें मिंबर बनाना नहीं आता, इम्तिहान में तुम फेल। रसूल ने तरीका बताया का पालान पर पालान रखो, मिंबर बन के तैयार हो जाएगा। लीजिए, मिंबर बन के तैयार हुआ, सरकार मिंबर पर तशरीफ ले गए, खुतबा इरशाद फरमाया, खुतबा तमाम हुआ कि एक मर्तबा आसमान की जानिब देखा, फरमाया अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला, वह आना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनों का मौला, वह आना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनों का मौला। ये नहीं फरमाया कि वह आना मौलल मुसलमीन, मैं मुसलमानों का मौला, मुसलमानों का मौला नहीं, मोमिनीन का मौला। वह आना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनों का मौला। इतना कहते कहते अली को हाथों पर बुलंद किया, फरमाया मन कुन तो मौला हो फहादा अली उन मौला, जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला। अली की विलायत का ऐलान किया, अली को मौला बनाया। जब अली को मौला बना लिया, जिब्राइल आयत लेके उतरे, अल्योम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन कामिल हो गया, आज दीन मुकम्मल हो गया। तो चलिए एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, एक बात बड़ी होशियारी के साथ और बहुत समझबूझ करके आप सुन लीजिए कि दीन मजहब इस्लाम, इसमें जब तक इमामत को विलायत को शामिल नहीं कर लिया गया तब तक के दीन मुकम्मल नहीं हुआ। जब इमामत और विलायत दीन में शामिल हो गई तब अल्लाह ने दीन को मुकम्मल किया।
जब अली इस्लाम में शामिल हो गए, अली की यानी अली की विलायत का ऐलान हो गया, तब अल्लाह ने आयत भेज के ऐलान किया कि अल यौम अकमल तो लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हुआ, आज दीन कामिल हुआ, इधर दीन कामिल हुआ, उधर रसूल ने दुआ के वास्ते हाथ उठाए। देखिए बात किधर से किधर घूम गई, मैं क्या अर्ज कर रहा था और क्या बात घूम गई। दुआ के लिए रसूल ने हाथ बुलंद किए और रसूल ने दुआ की, पालने वाले दिन मुकम्मल हुआ है, गदीर की भरी दोपहर है, मजमा है, मैदान है, सहाबाए किराम हैं, हुज्जाजे किराम हैं, सरकार रिसालत हैं, खत्मी मर्तबत हैं, मौलाए कायनात हैं। रसूल ने दुआ के वास्ते हाथों को बुलंद किया और फरमाया कि पालने वाले तू इसे दोस्त रखना, उसे दोस्त रखना जो इसे दोस्त रखे, तू उसे दोस्त रखना जो इसे दोस्त रखे। पहलू में अली खड़े में हैं, रसूल की दुआ सुनिए, पालने वाले तू उसे दोस्त रखना जो इसे दोस्त रखे, तू उसे दुश्मन रखना जो इसे दुश्मन रखे, तू उसे दुश्मन रखना जो इसे दुश्मन रखे, उसकी नुसरत करना जो इसका साथ दे, उसको जलील व खार करना जो इसको छोड़ दे। हाय हाय, ज़बाने रिसालत के निकले हुए जुमले हैं। उसको जलील व खार करना जो इसे छोड़ दे, और उसके बाद फरमाया अल्लाहुम्मा अदरिल हक हैसो मदार, पालने वाले हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़ जाए। गौर नहीं किया आपने, अल्लाहुम्मा अदरिल हक हैसो मदार, पालने वाले हक को उधर मोड़ जिधर अली मुड़ जाए, जिधर ये मुड़ जाए। अजीजों, ये रसूल की दुआ है कि उसे दोस्त रखना जो इसे दोस्त रखे, उसे दुश्मन रखना जो इसे दोस्त दुश्मन रखे। अब एक बात आप जरूर समझ लीजिए, अगर आपको अल्लाह की दोस्ती चाहिए है तो अली को दोस्त रखिए, अल्लाह की दुश्मनी चाहिए है तो अली को दुश्मन बना लीजिए। उसकी नुसरत करना जो इसका साथ दे, उसे जलील और रुस्वा करना जो इसे छोड़ दे। 1400 बरस में हमने देख लिया कैसे जमाने गुजरे, कैसे हालात गुजरे, तख्त इज्जत ना दिला सका, ताज इज्जत ना दिला सका, दौलत इज्जत ना दिला सकी, हुकूमत इज्जत ना दिला सकी, तख्त इज्जत ना दिला सका, लश्कर इज्जत ना दिला सका, फौजें इज्जत ना दिला सकी, इसलिए कि इन्होंने अली को छोड़ दिया था। रसूल की दुआ है अपना काम करेगी, रायगा नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। और उसके बाद पालने वाले हक को उधर मोड़ जिधर ये मुड़ जाएं। या रसूल अल्लाह, ये आपकी दुआ के जुमले हमारी समझ में नहीं आते, क्या फरमाया आपने कि इस हक को उधर मोड़ जिधर ये मुड़े। या रसूल अल्लाह, कहीं आप ये तो फरमाना नहीं चाह रहे थे कि इसको उधर मोड़ जिधर हक मुड़ जाए। शायद रसूल का जवाब आए तमीज से बात करना, ये ज़बाने रिसालत के निकले हुए जुमले हैं। हक को उधर मोड़ जिधर अली मुड़ जाए, हक को उधर मोड़ जिधर अली मुड़ जाए। पता चला कि हक भी अपना रास्ता अली के पीछे तलाश करेगा। अब हक की पहचान यह है कि जो अली के पीछे नजर आए वो हक है, जो अली के आगे बढ़ जाए वो बातिल है। तो अब एक बात चलते चलते जहन में रखिएगा कि नमाज हक है कि नहीं, रोजा हक है कि नहीं, हज हक है कि नहीं, काबा हक है कि नहीं, कुरान हक है कि नहीं, दीन हक है कि नहीं, ये सारी की सारी तमाम चीज़ें हक हैं कि नहीं।
अब ये अली के पीछे मिलेंगी, अली के आगे नहीं मिलेंगी। अगर कोई नमाज अली के आगे मिल जाए तो वो हक की नमाज ना होगी, बातिल का मुसल्ला जरूर होगा। यह अजीब मंजिल है, खुदा की कसम। ये अहले बैत हैं, हम अहले बैत को क्यों मानते हैं? लाखों दुरूद और करोड़ों सलाम उन पाक और बुजुर्ग हस्तियों पर, उन अहले बैत पर। रसूल ने इनकी विलायत का ऐलान किया और इसके बाद एक खेमा नस्ब करवा के अली को बिठाया। सहाबा किराम को हुक्म दिया कि जाओ जाके अली को मुबारकबाद दो, जाओ जाके अली को मुबारकबाद दो। लोग आते रहे, अली को मुबारकबाद देते रहे, या अली मुबारक हो, या अली मुबारक हो, या अली मुबारक हो। अली को मुबारकबाद दी। किसी का यह भी कौल तारीख के सीने में महफूज है, किसी बुजुर्ग ने यह भी फरमाया कि या अली मुबारक हो, मुबारक हो, आज से आप मेरे भी मौला हैं और तमाम मोमिनीन और मोमिनात के मौला हैं। तो चलिए, उलमा इस्लाम अक्सर एक बात कहते हैं हमारे अमल को देख के कि साहब ये सुन्नत है, ये बिदत है, ये वाजिब है, ये हराम है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लंबी लंबी दाढ़ियाँ हिला करके, आंखों में सुरमे लगा करके कि साहब ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये सुन्नत है, ये बिदत है। चलिए, हमको इससे बहस नहीं है कि क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या सुन्नत है, क्या बिदत है। हमारी ये आज़ादारी है, ये मुहर्रम है, ये मजलिस है, ये मातम है, ये सीना जनी है, ये सबीले हैं, ये तबर्रुक है, ये नजर नियाज है, ये खिचड़ा है, ये शरबत है। उनका के साहब ये बिदत है, ये नाजायज़ है। चलिए, कुछ भी बिदत हो, सुन्नत हो, जायज़ हो, नाजायज़ हो, कम से कम इतनी बात तो मानना पड़ेगी कि गदीर में अली की विलायत की मुबारकबाद देना रसूल की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। रसूल ने हुक्म दिया, सहाबा ने हुक्म रसूल पर अमल किया, अली को मुबारकबाद दी। कुछ जायज हो या ना हो, कुछ सुन्नत हो या ना हो, कुछ हलाल हो या ना हो, कम से कम गदीर में मुबारकबाद देना तो सुन्नत है। हाँ अजीजों, वक्त तमाम हो रहा है, बात भी जल्दी से तमाम करो। इंशाल्लाह अब जो कुछ है वो कल आपकी खिदमत में अर्ज करके बात को मुख्तसर करूंगा। आज बस यहीं पर बात तमाम हो जाए कि यह गदीर है जहां रसूल से कह दिया गया कि अगर इसे ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, अगर इसे ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। ना आपने नमाज पहुंचाई, ना आपने रोजा पहुंचाया, ना आपने हज पहुंचाया, ना आपने कुरान के बारे में बताया, ना आपने कयामत के बारे में बताया, ना आपने आखिरत के बारे में बताया, ना आपने अल्लाह के बारे में बताया, ना आपने अपने बारे में बताया। आपने कुछ ना बताया अगर आपने अली को ना बताया, अगर आपने विलायत को ना बताया, अगर आपने एलाते विलायते हैदर कर्रार ना किया, ऐलान विलायत अमीर अल मोमिनीन ना किया। तो हमको भी ये बात समझ लेना चाहिए कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा अली के फ़ज़ाइल बयान करें, ज़्यादा से ज़्यादा अली का ज़िक्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा अली का तस्किरा करें। इसलिए कि ज़िक्र हैदर कर्रार में, ज़िक्र अली जिब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में अल्लाह भी खुश होता है, रसूल भी राज़ी रहते हैं। वरना अल्लाह भी नाराज़ हो जाएगा और रसूल भी आपसे राज़ी ना रहे।
इसलिए कि इसकी वजह यह है कि अली ने जो कुछ भी किया वो इस्लाम के लिए, वो मज़हब के लिए, वो दीन के वास्ते। और करबला में कोई गैर नहीं था, वो अली ही का बेटा था जिसने एक दोपहर में पूरा मज़हब बचा लिया, पूरा दीन बचा लिया। यजीद दीन को मिटा देना चाहता था, इस्लाम को तबाह कर देना चाहता था, वही इलाही का मजाक उड़ा रहा था, बनी हाशिम का खेल कह रहा था कि बनी हाशिम ने तो मुल्क के साथ एक खेल खेला था, ना कोई खबर आई थी ना कोई वही आई थी। वो तो ये कहिए कि मोहम्मद के नवासे ने कटे हुए सर से कुरान की तिलावत करके बता दिया, यजीद तू झूठा है, मेरा नाना सच्चा है। दीन भी आया, वही भी आई, कुरान भी आया, इस्लाम भी आया, मज़हब भी आया। आज उसी हुसैन को हम रो रहे हैं, उसी हुसैन पर हम आंसू बहा रहे हैं। या अबा अब्दुल्लाह, जो गुलाम हाजिर हैं, या अबा अब्दुल्लाह, जो गुलाम हाजिर हैं, आज की रात हम एक अली का जिक्र करते हैं जिसका नाम तो अली था मगर सूरत मोहम्मद की थी, उम्र फातिमा जहरा की मिली। हाय कैसे अर्ज करूं, नाम अली अकबर था, सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में, अंदाज में वो रसूल अल्लाह से मुशाबे था, और उम्र वही उम्र थी जो जनाब फातिमा जहरा ने उम्र पाई, 18 बरस। या 18 बरस का कड़ियल जवान जो बेटा तो लैला का था मगर पाला जैनब ने था। हुसैन की आंखों का नूर, जैनब के दिल की ठंडक, उम्मे लैला के चमन की बहार। हुसैन ने सबसे पहले अली अकबर को मख्तल की इजाजत दी, इसीलिए ज़ियारत में हजरत अली अकबर को अव्वले शहीद कहा जाता है। सबसे पहले अपने बेटे को मख्तल की इजाजत दी, लेकिन असहाबे बाफा हाथ जोड़ के आगे बढ़े, कहा फरजंदे रसूल ऐसा नहीं हो सकता कि हम जिंदा रहें और अली अकबर मख्तल को सिधारें, ऐसा हरगिज नहीं होगा। लीजिए असहाब ने इसरार किया, अली अकबर रुके, असहाब अंसार मख्तल में आए। जब कासिम ना रहे और मोहम्मद सिधार गए, अब्बास की मैयत पर दरिया के किनारे हुसैन ने मरसिया पढ़ा। अब उसके बाद जब देहड़ी पर सन्नाटा हो गया था, बारगाह उजड़ चुकी थी, देहड़ी वीरान हो चुकी थी, कोई न था, कड़ियल जवान बेटा हाथ जोड़े खड़ा था, मेरे बाबा मुझे भी मख्तल की इजाजत दे दो, ए बाबा मुझे भी मैदान की इजाजत दे दीजिए। हुसैन ने हर शहीद को मैदान में जाने से रोका मगर अपने कड़ियल जवान बेटे को नहीं रोका, कहा जाओ मेरे लाल खुदा हाफिज, मगर जाके खेमे में रुख्सत हो लो, माँ से रुख्सत हो लो, फूफी को खुदा हाफिज कह दो, बहनों को अलविदा कह दो। अली अकबर खेमे में आए, माँ को खुदा हाफिज कहा, फूफी से इजाज़त ली, बहनों को अलविदा कहा, खेमे से कैसे रुख्सत हुए मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, वो दूर से यह मंजर देख रहा था, वो कहता है कि मैं देख रहा था कि खेमे का पर्दा उठता था और गिरता था, उठता था और गिरता था, 7 मरतबा खेमे का पर्दा उठा और गिरा, 7 बार खेमे का पर्दा उठा और गिरा, और जब अली अकबर खेमे के बाहर निकले तो आलम यह था, ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी भरे घर से जवान की मैयत निकल रही हो। बीबियां, सैदानियां, बहने सर के बाल खोले हुए, वाह अली अकबरा,
वाह अली अकबरा, ए अली अकबर, खुदा हाफिज। हुसैन की खिदमत में आए, बाबा मुझे इजाजत मिल गई, मैं अम्मा से इजाजत ले आया, फूफी अम्मा ने मुझे खुदा हाफिज कह दिया। हुसैन की खिदमत में आए, हुसैन ने अपने बेटे को सर से पैर तक देखा, सजाया, संवारा, तैयार किया, सिपाही बनाया, सर पर मामा रखा, कमर में पटका बांधा, तलवार लगाई, हूबहू नाना याद आ गए, नाना की छवि नजर आने लगे, जैसे रसूल खड़े में हों। एक मर्तबा हुसैन ने बेटे को देखा, आसमान को देखा, दुआ के वास्ते हाथों को बुलंद किया, ये पालने वाले गवाह रहना, मैं ऐसे बेटे को तेरी राह में भेज रहा हूं जो सूरत और सीरत में, अंदाज में, रफ्तार में, गुफ्तार में तेरे रसूल से मुशाबे है, तेरे हबीब की शक्ल है। अली अकबर को खुदा हाफिज कहा, अली अकबर रहवार पर सवार हुए, मक्तल को सिधारे, कुछ दूर अली अकबर का घोड़ा बढ़ा था कि एक मर्तबा बेटे को महसूस हुआ कोई पीछे आ रहा है। अब जो घूम के देखा तो बूढ़ा बाप कमर पकड़े हुए, वाह वलदा, या वलदा, अरे मेरे लाल, अरे मेरे बेटे। अली अकबर तेजी थे उतरे घोड़े से, कहा बाबा आप ही ने तो मुझे रुख्सत किया था, बाबा आप ही ने तो मुझे खुदा हाफिज कहा था, ए मेरे बाबा ये क्या आलम है। तो हुसैन ने एक जुमला कहा, ये जुमला कहा, औलाद वालों कलेजे पर हाथ रख के सुनना, हुसैन ने एक जुमला कहा कि मेरे लाल काश तुम साहिबे औलाद होते, काश साहिबे औलाद होते और देखते कि औलाद का दाग कैसा होता है, औलाद की मोहब्बत क्या चीज है, काश तुम साहिबे औलाद होते। लेकिन मेरे लाल अच्छा जाओ, खुदा हाफिज। अली अकबर मख्तल में आए, हुसैन दर खेमा पर खड़े हो गए, अली अकबर मख्तल में तलवार चला रहे थे, हुसैन अकबर का जिहाद देख रहे थे, माँ दर खेमा पर खड़ी भी हुसैन को देख रही थी कि एक मर्तबा हुसैन के चेहरे का रंग बदला, तड़प के लैला ने सवाल किया, वाली खैरियत तो है, मेरा बच्चा कैसा है, अली अकबर कैसे हैं। हुसैन ने जवाब दिया, लैला एक नामी गिरामी पहलवान आया है, वो शेरो सैराब है, तुम्हारा लाल 3 दिन का भूखा और प्यासा है, मैंने अपने नाना से सुना है, जाओ जाके अली अकबर की सलामती की दुआ करो। लैला खेमे में आई, सैदानियों को जमा किया, बीवियों को इकट्ठा किया, सर के बालों को खोला, दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया, अय याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, अय हाजिरा को इस्माइल से मिलाने वाले, मेरे अली अकबर को मुझसे मिला दे। अभी दुआ तमाम नहीं हुई कि आगे फिजा ने खबर दी, शहजादी मुबारक हो, अली अकबर आ गए। अब जो माँ दर खेमा पर आई तो अपने बेटे को पहचान न सकी, सर से पैर तक खून में नहाए खड़े हुए थे, अपने बाप से पानी मांग रहे थे, हल तजरा मिनल माए सबीला। हुसैन ने अली अकबर के दहन में अंगूठी रखी, कहे जाओ मेरे लाल खुदा हाफिज। अली अकबर के मक्तल को सिधारे, कुछ देर में हुसैन के कानों में आवाज आई, ए बाबा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन ने कमर को पकड़ा, बेटे के सरहाने पहुंचे, अली अकबर जिंदा थे, सीने में बर्छी का फल टूट चुका था। खुदा वो वक्त किसी पर ना लाए जो वक्त हुसैन पर आया। एक मर्तबा हुसैन ने करबला में चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई अपना नजर ना आया, आसमान को देखा, बेटे को देखा, अली अकबर की सूरत देखी, अली अकबर का सीना देखा, अली अकबर के जिस्म में टूटे हुए तीर को दे टूटे हुए नैदे को देखा, अली अकबर की तकलीफ का अंदाजा लगाया, सीने से बर्छी का फल निकाला, खून का फव्वारा निकला, हुसैन ने मुंह पर मुंह रख दिया, अरे मेरे लाल तेरे पास जिंदगानी है, दुनिया पर खाक है। वाली अकबरा।